नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जस्ट नॉलेज पर। मैं हूं कुमार बिने और आज से हम एक नई वीडियो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम भारत के सभी राज्यों के बारे में बात करेंगे। हालांकि यह वीडियो कल ही आनी थी लेकिन कुछ कारणवश यह कल अपलोड नहीं हो पाई थी, इसीलिए इस वीडियो को मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम भारत के सभी राज्यों के बारे में बात करेंगे और मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि यह इस सीरीज का पहला वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी राय जरूर दें, अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे आने वाले राज्यों के संबंध में जो वीडियो बनेंगे उनको मैं और बेहतर ढंग से आप सभी के लिए बना सकूं। तो आज से हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले राज्य के बारे में जो कि मेरा गृह राज्य है, यानी कि मेरा होम टाउन है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम किन तथ्यों के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में। जैसा कि कहा भी गया है कि किसी भी स्थान को बेहतर ढंग से समझने के लिए उस स्थान के भूगोल को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर किसी स्थान के भूगोल के बारे में आप भलीभांति परिचित हैं तो न केवल आप उस स्थान के इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं, उस स्थान की खेती के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के उद्योग के बारे में, इन सारे तथ्यों को आप भलीभांति समझ सकते हैं अगर आपने किसी भी स्थान के भूगोल को अच्छे से जाना है। उत्तर प्रदेश के भूगोल के बाद में हम उत्तर प्रदेश का इतिहास जानेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बाद हम उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था को समझेंगे। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश में जो पार्क हैं, जो जनजाति हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध ज़िले हैं, किस लिए वे प्रसिद्ध हैं, उन जिलों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख स्मारकों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के उद्योग, यहाँ के खनिज के बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सारे तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक से हमें पता चलेगा कि यह वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के भूगोल को हम समझें उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की स्थित कहां पर है। ये हमारा संपूर्ण भारतवर्ष हो गया और उत्तर प्रदेश हमारे कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा हो गया उत्तर प्रदेश की लोकेशन। तो आप अच्छे से उत्तर प्रदेश की लोकेशन को ध्यान दीजिए। अब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से राज्य हैं और किस राज्य के साथ में वे अपनी सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश कुल मिला के 9 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, जिनमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए अब हम उन राज्यों को भी एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व में है बिहार। उत्तर प्रदेश के पूर्व में है बिहार। बिहार के ठीक नीचे है झारखंड। झारखंड के ठीक नीचे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में हमारा हुआ राजस्थान। राजस्थान के बाद में हमारा हुआ हरियाणा। हरियाणा के बाद में हमारा हुआ हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि 2001 के पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था लेकिन 9 नवंबर 2001 को यह उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश एक देश जिसका नाम नेपाल है उसके साथ में भी अपनी सीमा बनाता है। यहाँ पर स्थित है हमारा नेपाल। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में देखा कि उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है और उसके सभी पड़ोसी राज्यों के बारे में यहाँ पर बात कर ली। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और उत्तर प्रदेश के भूगोल के संबंध में कुछ और चीज़ें जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है लखीमपुर खीरी। यहां पर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी भी देख सकते हैं मैप में।
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले का नाम है लखीमपुर खीरी और इसकी लोकेशन यहाँ पर है। आप लोग देख सकते हैं कि यह नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले के बारे में तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है भदोही, जिसे हम संत रविदास नगर भी कहते हैं और यह पहले बनारस का हिस्सा था। यहाँ पर भदोही के पड़ोस में है बनारस, तो वाराणसी का यह पहले हिस्सा था लेकिन बाद में इसको अलग करके एक अलग जिला बना दिया गया। तो यहां पर आपने देखा। अब यहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जिलों को भी दिखाना चाहूंगा मानचित्र के जरिए। जैसे कि यहां पर आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ के बाद में यहां पर आइए, ये हमारा ललितपुर हो गया, ये झांसी हो गया, यहां पर हमारा जालौन है, जालौन के बाद में औरैया है, इटावा है, यहां पर हमारा आगरा है, फिर हमारा मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, यहाँ पर छोटा सा एक जिला है जिसे हम लोग गौतम बुद्ध नगर या नोएडा भी कहते हैं। नोएडा के ठीक बगल में है गाजियाबाद, गाजियाबाद के ठीक ऊपर है मेरठ, यहाँ पर एक छोटा सा जिला है बागपत, बागपत के ऊपर है मुजफ्फरनगर और मुजफ्फर नगर के ठीक ऊपर है सहारनपुर। तो ये सारे हमारे पश्चिमी जिले हो गए। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण जिले हैं उनके बारे में जब हम समझेंगे तो उन जिलों की लोकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी ज्योग्राफी के संबंध में कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यानी कि एरिया के दृष्टिकोण से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो आइए हम देख लेते हैं तीन अन्य राज्य कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और चौथा हमारा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगर हम उत्तर प्रदेश में औसत तापमान के बारे में बात करें तो जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे उन्हें यह अच्छी तरीके से पता होगा कि हमारे यहाँ पर ठंडी भी अच्छी खासी पड़ती है और गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पर जनवरी का तापमान होता है वह 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, और अगर हम बात करते हैं मई जून के बारे में, जैसे कि इस समय जुलाई चल रहा है, तो मई जून के समय जो उत्तर प्रदेश का तापमान है वह 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो इससे तात्पर्य यही होता है कि जनवरी में जो तापमान है वह 3 से 4 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ पर ठंडी भी अच्छी खासी होती है और हमारे यहाँ गर्मी भी अच्छी खासी होती है। फिर हम बात करते हैं वर्षा के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकांश वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी शाखा होती है इसके द्वारा होती है। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के शाखा के द्वारा होती है। जैसे जैसे हम उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो वर्षा की मात्रा है वह घटती जाती है। जाहिर सी बात है आप इसको समझ भी सकते हैं कि जो हमारा बादल होगा जिसमें मॉइस्चर होगा, नमी होगी, वह जैसे जैसे हमारे स्थलीय भागों में जाता बढ़ता हुआ जाएगा वर्षा करते हुए, तो उसके अंदर जो नमी है वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम बात करें पश्चिमी भागों के बारे में तो यहाँ पर जो वर्षा है वह कम होती है। आगे अगर उत्तर प्रदेश की हम नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, शारदा और राप्ती, बहुत सारी नदियां उत्तर प्रदेश से बहती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वह हमारी गंगा है और इसके अलावा यमुना यहाँ की प्रमुख नदी है। गोमती नदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर के बहती है और यह उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी के अंतर्गत भी शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में।
तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश में बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि हमारे यहाँ की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह हमारे पश्चिमी भारत में उदय हुई थी। हालाँकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद हमारे देश में एक नई सभ्यता जो आई थी जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी और यह एक तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। उत्तर प्रदेश के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म के जो देवता हैं श्री राम और श्री कृष्ण, इन दोनों की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। यानी कि श्री राम की जन्मस्थली फैजाबाद के अयोध्या में और श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में मानी जाती है। आगे अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता भी यहीं से उदय हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि समय समय पर जो उत्तर प्रदेश का नाम है उसमें परिवर्तन होता आया है। बेसिकली हम बात करेंगे अंग्रेजों के समय से, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे 1834 में। 1834 में उत्तर प्रदेश का नाम था आगरा प्रेसिडेंसी। उत्तर प्रदेश का नाम था 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी। उसके बाद में 1836 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया उत्तरी पश्चिमी प्रांत, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। फिर हम आगे बात करते हैं तो 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद में इसका नाम कर दिया गया था अवध। 1857 की क्रांति में भी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था कहाँ से, मेरठ से, जहां पर मंगल सिंह ने सबसे पहले इस क्रांति की चिंगारी को हवा दी थी। उसके बाद में लखनऊ का भी योगदान था, यहां से बेगम हजरत महल। उसके बाद में अवध का भी योगदान था। फिर हम बात करें कानपुर का, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का हमारी 1857 की स्वाधीनता संग्राम में, 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके अवध कर दिया गया था। आगे हम बात करें 1902 में, तो 1902 में इसके नाम में एक बार पुनः परिवर्तन किया गया और इसका नाम अब बदल करके आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया था। फिर 1921 में ब्रिटिश भारत के अंदर जब यह पूरी तरीके से आ गया था तो इसे ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा था। फिर फाइनली जाकर के 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण हुआ, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसके ठीक दो दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का निर्माण किया गया। हालांकि पहले मैंने आपको 2001 बता दिया था तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो 9 नवंबर 2000 को एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका हिस्सा उत्तर प्रदेश से लिया गया था। और जब इस राज्य का गठन किया गया था तो इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, सॉरी उत्तराखंड कर दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रीफ में उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जाना। अब हम आगे चलते हैं और उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतः हम लोगों को देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में तो जानकारी होती है, लेकिन जो राज्यों के राजकीय प्रतीक होते हैं उनके बारे में शायद हम लोगों को कम जानकारी होती है। तो इसीलिए हम उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों को भी यहाँ पर आइए जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो इसका नाम है बारहसिंगा। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। ये आप फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारा बारहसिंगा हुआ। आगे उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम है सारस। ये हमारी होती है सारस, जो कि हंस के समान एक बड़ी पक्षी होती है। राजकीय पक्षी के बाद हम लोग इसके पुष्प की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलास। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम है पलास। पलास के वृक्ष को आप लोगों ने देखा होगा, ये उसका फूल होता है और शायद आपने इसके फूल को भी देखा होगा। राजकीय वृक्ष के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष जो है वह अशोक है। यह अशोक का वृक्ष है, आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सुंदर होता है। बेसिकली इसे लोग अपने घर के सामने शो के लिए लगवाते हैं, यानी कि दिखाने के लिए। इसकी जो छवि होती है वह काफ़ी अच्छी लगती है।
राजकीय वृक्ष के बाद हम आगे बढ़ते हैं, राजकीय मुहर के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ का स्टाम्प है, जो यहाँ की सील है। इस प्रकार से कुछ इसकी सील होती है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है। बीच में दो रोहू मछली होती है और एक धनुष बना होता है। राजकीय मुहर के बारे में अगर हम लोगों ने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं राजकीय खेल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल वही है जो हमारे भारत का राजकीय खेल है, यानी कि हॉकी। उत्तर प्रदेश के राजकीय नृत्य के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह कथक है। ध्यान दीजिएगा, यह कथक कली नहीं है, यह कथक है। कुछ इस प्रकार का डांस होता है कथक के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ये इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के अगर हम राज्यपाल के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है राम नाईक। उत्तर प्रदेश में हम अगर विधानसभा की सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुल 403 सीटें हैं, जिनमें से एक सीट ऐसी है जिस पर किसी व्यक्ति को हमारे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा के सीटों की संख्या 404 है। अब हम अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। भारत के कुल सात राज्यों में विधान परिषद है, जिनमें से उत्तर प्रदेश भी एक है, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटें 100 हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो पॉलिटी की क्लास है उसको अच्छे से देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। विधान परिषद के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और इसकी एक पीठ हमारे लखनऊ में भी स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इसकी एक पीठ स्थित है। लोकसभा की सीटों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारत के सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, मतलब कि हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता है, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। तीसरे नंबर पर हमारा पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर 42 है। फिर हम बात करते हैं राज्यसभा की सीटों के बारे में। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 30 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 30 सीटें हैं। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ सामान्य जानकारी इकट्ठा की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इससे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश में आयोजित परीक्षाएँ होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश की जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल पॉपुलेशन थी करीब 20 करोड़। हालांकि 2001 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 16.62 करोड़। तो इस प्रकार से जो कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई थी उसकी दर थी 20.23%। इससे पहले जो वृद्धि हुई थी वह 25.80% थी। एक बार यहां मैं आपको फिर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वह 19.98 करोड़ थी 2011 में। उससे पहले 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी 16.62 करोड़। इसमें जो वृद्धि हुई थी, यानी कि 2001 से 2011 के दौरान जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि हुई थी वह 20.23% थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1991 से 2001 के बीच, तो उस समय जो जनसंख्या की वृद्धि थी वह 25.80% थी। वृद्धि दर के बारे में हम आगे बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में, यानी कि सेक्स रेशियो के बारे में, मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे अगर हम बात करते हैं बाल लिंगानुपात के बारे में, तो बाल लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात है 902। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर लंबी दूरी और 1 किलोमीटर चौड़ी दूरी ले लें तो इसके बीच में जो जनसंख्या निवास करती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वह 829 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं।
अब हम बात करते हैं साक्षरता के बारे में, यानी कि लिटरेसी यहाँ पर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है वह 67.78% है, यानी कि 67.78% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। आगे अगर हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता है वह कुल साक्षरता से ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे 77.28% पुरुष साक्षर हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति अभी भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ख़राब है शिक्षा के मामले में। तो महिलाओं की साक्षरता जो है वह 57.18% है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं टॉपिक से हट के बात करता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं उनकी शिक्षा पर काफ़ी कम खर्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर पिता को दहेज के रूप में एक बड़ा अमाउंट देना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो पिता होते हैं वह अपनी बच्चियों के शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं, और एक सामान्य शिक्षा पूरी कर देने के बाद में, यानी कि कुछ लोग 12 पास करने के बाद में, अब थोड़े से लोग जागरूक हो गए हैं तो शायद बीए एमए भी करवा दें, उसके बाद में उनका मुख्य फोकस होता है कि जल्दी से जल्दी लड़की की शादी कर दी जाए। तो इसीलिए लड़कियों की साक्षरता पर यहाँ पर कम ध्यान दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या के बारे में, तो यहाँ पर 77.73% लोग निवास करते हैं गांव में, और अगर हम ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करें तो अगर हम शहरी जनसंख्या के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 22.27% लोग शहरों में निवास करते हैं। यहाँ पर जो सिक्वेंस है वह थोड़ा सा उल्टा हो गया, ग्रामीण की जगह शहरी हो गया, शहरी की जगह ग्रामीण हो गया है। अब जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह हमारा इलाहाबाद है। इलाहाबाद की जो जनसंख्या है वह 69 लाख है। अभी जो हमारा फुटबॉल का विश्व कप हुआ है उसमें जो हमारा रनर अप रहा था, यानी कि क्रोएशिया की जनसंख्या भी इलाहाबाद से कम है। वहाँ की कुल जनसंख्या 40 लाख के आसपास है, लेकिन हमारे यहाँ पर भारत के उत्तर प्रदेश के एक जिले जिसका नाम है इलाहाबाद, वहाँ की जनसंख्या भी क्रोएशिया से ज़्यादा है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले जिले के बारे में, तो यह हमारा महोबा है। महोबा की जो जनसंख्या है वह सबसे ज़्यादा कम है। सबसे साक्षर जिले के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ की साक्षरता 80.12% है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो यह हमारा बहराइच में हुआ है। बहराइच यहाँ पर स्थित है, आप लोग लोकेशन देख सकते हैं। बहराइच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, यानी कि मान लीजिए कि अगर बहराइच की जनसंख्या 100 थी पहले, तो वह लगभग 146 हो गई थी 10 सालों के बाद में। सबसे कम साक्षर जिले के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम साक्षर जिला हमारा है श्रावस्ती, जहां पर 46.74 लोग साक्षर हैं। यह हमारा हो गया श्रावस्ती। बहराइच के ठीक पूर्व में स्थित है श्रावस्ती। और एक यहाँ पर आपको अचंभित करने वाली बात भी देखने को मिलेगी कि भारत में जिस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी वह श्रावस्ती है, यानी कि श्रावस्ती में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वह ऋणात्मक है। ऋणात्मक का तात्पर्य है कि यहाँ की जो मूल जनसंख्या थी उससे भी जनसंख्या घट गई थी, मतलब कि अगर 2001 में यहाँ की जनसंख्या 100 थी तो यह बाद में घट करके 95 हो गई थी 10 सालों के बाद में। तो यहाँ पर हम लोगों ने जनसंख्या के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उन तथ्यों के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में रैंक 4 है। ये हमारा पूरा हो गया भारत। भारत में सबसे ज़्यादा जीडीपी है हमारे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जीडीपी करीब 27 लाख करोड़ के आसपास है। सेकंड नंबर पर है हमारा तमिलनाडु, उसके बाद में हमारा है गुजरात, और गुजरात के बाद में है हमारा उत्तर प्रदेश। जीडीपी के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि किसी भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई कुल वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम वहां की जीडीपी कहते हैं।
जीडीपी के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी जीडीपी में वृद्धि दर क्या रही थी, यानी कि किस गति से उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद की जो दर है वह बढ़ रही है, तो इसकी वृद्धि दर 8% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। जीडीपी के क्षेत्र हम लोग जान लेते हैं, मतलब कि जो पूरा सकल घरेलू उत्पाद है उत्तर प्रदेश का, उसमें किस क्षेत्र का कितना योगदान होता है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान यहाँ पर कम है, यानी कि 25% है, उद्योगों का योगदान यहाँ पर 24% है, और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का योगदान यहाँ पर 51% है। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय $1200 के आसपास है, जिसका कुल मूल्य होता है लगभग ₹82,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और यह 25वें स्थान पर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, यह कई पैमानों के ऊपर मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा नहीं, हालांकि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुछ इंडेक्स के बारे में, किस तरह से ये मेजर किए जाते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कृषि के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का यह पूरा ऊपरी रीजन है, यह पूरा ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादातर हमारा पर्वतीय हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है वह होकर के गुजरती है। बीच का जो हमारा रीजन है, यह गंगा यमुना का मैदानी भाग है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग है, और नीचे का यह कुछ रीजन यहाँ पर पठारी है, यानी कि यहाँ से हमारी जो दक्षिण की पठारी भाग है वह प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के मध्य भाग के काफ़ी उपजाऊ होने के कारण उत्तर प्रदेश का भारत की कृषि में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो उत्तर प्रदेश हमारा भारत के सर्वाधिक अन्न उत्पादक राज्यों में से एक है, यानी कि जो भारत में सभी उन अन्न उत्पादक राज्य हैं, अन्न की बात करें अगर हम, जैसे धान, गेहूं, जौ, तिलहन, इन सब के बारे में बात करें, तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में इन सारे फसलों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। फिर हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसकी लगभग 65% कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसलें हैं उनमें हमारी गेहूँ, धान, दालें, आलू और तिलहन, ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। अब हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश चावल और सब्जी के उत्पादन में बंगाल के बाद द्वितीय स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में सब्जी भी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और यहाँ पर चावल का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। जाहिर सी बात है कि जो हमारी गंगा है वह पश्चिम बंगाल से होकर के ही जाकर पश्चिम बंगाल से ही होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसीलिए पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के अब हम कुछ प्रमुख स्मारकों यानी कि मॉन्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पर ताजमहल स्थित है, जो कि विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल हमारा स्थित है आगरा में और इसको बनवाया गया था मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। तो ये आप लोग ताजमहल की लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा ताजमहल बना हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग शायद घूमने भी गए होंगे ताजमहल, अगर नहीं गए हैं तो आपको जाना चाहिए। एक अद्भुत हमारे आर्किटेक्चर का नमूना है ताजमहल, तो इसे देखने के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। ताजमहल के बाद अगर हम बात करें बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है और इसका निर्माण करवाया गया था अकबर महान के द्वारा, ये बुलंद दरवाज़ा हो गया। बुलंद दरवाज़ा के बाद अगर हम बात करें तो अकबर के मकबरे का नाम आता है। अकबर का मकबरा हमारा स्थित है आगरा में, यह हमारा है अकबर का मकबरा। अकबर के मकबरे के बाद अगर हम बात करें तो बड़ा इमामबाड़ा, जो कि लखनऊ में है, इसे असाफ़ुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। अब बड़ा इमामबाड़ा जो है यह भी काफ़ी ज़्यादा दर्शनीय है। आप इसके अंदर जाएंगे, घूमेंगे पूरा अंदर, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी। और एक बहुत ही विशेष चीज़ इसके अंदर जानने को मिलेंगी कि किस प्रकार से उस समय के स्मारकों का निर्माण किया गया था, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए या शत्रुओं पर नज़र रखने के लिए। इमामबाड़ा के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झांसी के किला के बारे में। तो झांसी का किला, जो कि झांसी में स्थित है और इसे राजा वीर सिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। और अगला
तो इस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्मारक हैं उन स्मारकों के बारे में बात की। अब देखिए, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा सारी चीज़ों के बारे में तो यह जो वीडियो है वह काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं केवल प्रमुख प्रमुख इमारतों के बारे में बात करूंगा या प्रमुख चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय पार्कों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क स्थित है जिसका नाम है दुधवा या जिम कार्बेट भी जिसे कहते हैं। 1977 में इसे स्थापित किया गया था और यह सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय पार्क भी है। तो ये हमारा हुआ लखीमपुर, और लखीमपुर में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। यह एक टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि यहाँ पर बाघ का संरक्षण भी किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है। अब यूनेस्को के द्वारा कुछ स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, उन स्मारकों के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा आगरा का किला, जो कि 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया था। आगरे के किले के साथ में ताजमहल को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया था। और इसके बाद में फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में शामिल किया गया था। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि भारत में जितने भी स्मारक यूनेस्को के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में शामिल किए गए हैं उनमें सबसे पहले आगरा के किले और ताजमहल को 1983 में शामिल किया गया था। इसके अलावा हमारे एलोरा और अजंता की गुफाएं जो हैं उन गुफाओं को भी 1983 में ही यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में शामिल किया गया था। वर्तमान में मुंबई की अभी दो इमारतों को इसमें शामिल किया गया है। तो भारत में कुल यूनेस्को के अंतर्गत विश्व विरासत स्थलों की जो संख्या है वह 37 हो गई है। तो यह करंट की एक न्यूज है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में वैसे बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख जनजातियाँ इस प्रकार हैं जैसे कि चेरों, बुक्सा, थारू, राजी और जौनसारी। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है थारू, और यह उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में यानी कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास रहती है, जैसे गोरखपुर हो गया, उसके बाद हमारा महराजगंज हो गया, उसके बाद लखीमपुर, इन सारे जिलों में ये जनजाति निवास करती है। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटी जनजाति की जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो यह हमारी वनरावत जनजाति है जो कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जनजातीय जिले के बारे में, तो इसका नाम है सोनभद्र, जो कि दक्षिण में हमारा स्थित है, और सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर बागपत की है, यानी कि जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा बागपत में है। तो अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिलों के बारे में जान लेते हैं और वह जिले किस लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि लकड़ी के खिलौने के लिए हमारा बनारस और मेरठ प्रसिद्ध है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया बनारस, और हमारा यहाँ पर स्थित है मेरठ। तो मेरठ और बनारस लकड़ी के खिलौने के लिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। उसके बाद में पीतल की मूर्ति के लिए हमारा मथुरा प्रसिद्ध है, और मथुरा की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया मथुरा। मथुरा के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दिया सलाई के लिए हमारा बरेली फेमस है। दिया सलाई के लिए हमारा बरेली फेमस है, और बरेली की लोकेशन यहाँ पर है, ये हमारा हो गया बरेली। दिया सलाई के बाद हम आगे बात करें रबड़ के बारे में, तो रबड़ के लिए हमारा गाजियाबाद प्रसिद्ध है। गाजियाबाद की लोकेशन है यहाँ पर, ये देखिए मेरठ के ठीक नीचे हमारा गाजियाबाद स्थित है। रबड़ के बाद ताला हमारा फेमस है अलीगढ़ के लिए। आपने अलीगढ़ के ताले के बारे में तो सुना ही होगा। तो अलीगढ़ हमारा स्थित है ठीक बुलंदशहर के नीचे और मथुरा के ऊपर। ताला के बाद अगर हम लोग बात करते हैं चमड़ा के लिए, तो चमड़ा के लिए हमारा कानपुर प्रसिद्ध है। कानपुर के लोग जो होंगे या आसपास के लोग होंगे जो कानपुर गए होंगे उन्हें कानपुर के बारे में पता होगा कि कानपुर हमारा चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर शायद बड़े बड़े जानवरों को भी काटा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा गंदा शहर भी है हमारा कानपुर चमड़ा उद्योग के कारण। अब हम आगे बात करते हैं कागज़ के लिए, तो कागज़ के लिए हमारा सहारनपुर फेमस है। कागज़ या फिर आप बात करें लुगदी के बारे में, तो कागज़ और लुगदी के लिए हमारा सहारनपुर प्रसिद्ध है। सहारनपुर के बाद हम आईटी सिटी के बारे में बात करते हैं, तो आईटी सिटी के लिए हमारा ये जो गौतम बुद्ध नगर है जिसे हम लोग नोएडा भी कहते हैं। फिल्म सिटी की बात करें या आईटी सिटी की बात करें तो इसके लिए हमारा नोएडा प्रसिद्ध है। नोएडा के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल के सामान के लिए,
तो खेल के सामान के लिए भी हमारा मेरठ प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से खेल के सामान के लिए भी मेरठ प्रसिद्ध है। मेरठ के बाद हम बात करते हैं कांच उद्योग के लिए, तो कांच उद्योग के लिए हमारा फिरोजाबाद मशहूर है। कांच उद्योग के लिए हमारा फिरोजाबाद मशहूर है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख खनिजों के बारे में। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में कोई खास खनिज नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ प्रमुख खनिज उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। जैसे कि जो हमारा सोनभद्र जिला हो गया या मिर्ज़ापुर हो गया, उसके अलावा हमारा महोबा हो गया, ललितपुर हो गया, इन क्षेत्रों में कुछ खनिज के निक्षेप हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आइए उन खनिजों के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहले हो गया हमारा चूना पत्थर, तो चूना पत्थर हमारा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ये हमारा हो गया सोनभद्र और इसके ठीक ऊपर है मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में हमारा चूना पत्थर पाया जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करें डोलोमाइट के बारे में, तो डोलोमाइट का यूज यहाँ के जो नक्सलाइट लोग हैं वो बम बनाने में भी करते हैं। तो डोलोमाइट हमारा पाया जाता है बांदा में, बांदा के बाद में मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में। डोलोमाइट के बाद हम आगे बात करते हैं जिप्सम के बारे में, तो जिप्सम हमारा पाया जाता है कहाँ पर, झांसी में और उसके बाद में हमारा हमीरपुर में। तो यहाँ पर आप लोग शुरुआती कुछ खनिजों के बारे में अध्ययन करने के बाद में यह क्लियर हो गया होगा कि ज़्यादातर जो खनिज हैं वे हमारे पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जिप्सम के बाद हम आगे बात करें यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम के कुछ निक्षेप हमारे पाए जाते हैं ललितपुर में। आगे फिर हम बात करते हैं कोयला के बारे में, तो सोनभद्र के पास ही कुछ कोयला की हमारी खाने भी पाई जाती है, यानी कि यहाँ से कोयले को निकाला जाता है। अब हम कुछ अन्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य निवासी हैं वे हिंदू हैं और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी, उर्दू और भोजपुरी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से पहला लखनऊ में और दूसरा बनारस में है। लखनऊ में जो यहाँ हवाई अड्डा है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि स्थित है आपके लखनऊ में, और दूसरे का नाम है हमारा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि स्थित है वाराणसी में। आगे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है। लखनऊ का जो मलिहाबाद है, मलिहाबाद यहाँ पर दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप लोग अगर इस बार सीजन में जो लोग लखनऊ के होंगे या लखनऊ इस सीजन में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि पूरे आम के ठेले से लखनऊ भर जाता है मई जून के महीने में। जून जुलाई के महीने में पूरा लखनऊ जो है वह आम के ठेलों से भर जाता है और उन ठेलों पर आपको सिर्फ और सिर्फ दशहरी आम ही मिलेंगे। उसके बाद में हम आपको एक और तथ्य बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम सुचेता कृपलानी था। उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है, आइए हम जान लेते हैं कि किसके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई है वह नलकूपों के द्वारा की जाती है, उसके बाद नहरों के द्वारा की जाती है, उसके बाद कुओं के द्वारा की जाती है और उसके बाद तालाबों के द्वारा उत्तर प्रदेश की सिंचाई की जाती है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। अगर आप किसी क्रम को दक्षिण भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो दक्षिण भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई है वह तालाबों के द्वारा की जाती है। आगे हम कुछ बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नकदी फसल है वह हमारी गन्ना है। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वह बिरहा है, गाँव में आप लोगों ने बिरहा जरूर सुना होगा। फिर उसके बाद में यमुना एक्सप्रेस है, जो कि पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे है। इसका निर्माण नोएडा से आगरा के बीच किया गया है, हालांकि अब इसको बढ़ा करके लखनऊ तक भी पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो जैन और बौद्ध धर्म है, इन दोनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी जिले में स्थित है। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है। उसके बाद में यमुना और चंबल नदी, जो कि जो दो प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश की, वह इटावा के पास में आकर के मिलती हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारी गंगा, यमुना और सरस्वती आकर के मिलती है इलाहाबाद में, इसीलिए इलाहाबाद को प्रयाग भी कहा जाता है। फिर मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का, जो कि एक कांग्रेसी थे, इनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। यह भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जब गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री होता था।
तो इस तरह से यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद कुछ परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी संख्या इस वीडियो में कम थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप लोग वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर बताइएगा कि आगे का जो हमारा राज्य होगा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें किन तथ्यों को हम और जोड़ सकते हैं जिससे आपको आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। इस वीडियो को आपने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं।